तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है अंदर वाला रूम में आज टाइल्स लगाने वाला है, और बाहर वाला रूम सब जो है टाइल्स लग चुका है। और ये अंदर वाला जो रूम है हमारा, इसमें जो है नॉर्मल घोला मार के और साइड साइड जो है रेड ऑक्साइड डाल के जो है स्कर्टिंग किया हुआ था। तो अभी जो है हम सिंपली क्या करेंगे, चारों दिशा में जो है हम लोग कुछ इस तरह से जो है अपना मसाला भर लेंगे, और इसका मेज़र जो है हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो रूम है वो बाकी रूम से जो है करीब 1.5 इंची जो है ये थोड़ा नीचे है। तो अभी जो है हमारा जो फर्श होगा, जो टाइल्स होगा, वो सेम लेवल में आने वाला है अभी। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो है हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आपको फर्श के जो है टाइल्स लगाना है। और ये वाला जो है फ्रेंड्स, हमारा जो फर्श है पहले से हमने इसे प्लास्टर कर लिया था। ये आप देख सकते हैं पहले से जो है हमारा फर्श है कुछ इस तरीका का था, लाल वाला जो है रेड ऑक्साइड पाउडर से लगा के जो है हमारा फर्श बनाया था। लेकिन अभी जो है हम इसके ऊपर जो है टाइल्स लगाना चाहते हैं। तो अभी जो है हमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, हम लोग जो है आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है आप उसके ऊपर टाइल्स लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्श था पहले वाला, वो काफ़ी जो है मतलब प्लेन्स फर्श था। तो उसे जो है हमें क्या करना है, छेनी और हथौड़ों की मदद से जो है मतलब उसे हमें तोड़ लेना है। और उसे अगर हम तोड़ लेते हैं तो क्या होगा, मतलब उसमें जो है अच्छा सा एक ग्रिप बनेगा। और अगर बिना तोड़े ही हम उसे लगा देते हैं तो वो क्या होगा, मतलब अच्छा से जो है मतलब ग्रिप नहीं होगा उसमें, क्योंकि जो हमारा वॉल है, जो हमारा फ्लोर है, वो मतलब काफ़ी मतलब स्मूथ हो गया है और काफ़ी स्लिपरी टाइप का फिनिश आ जाता है घोला मारने के बाद। तो इसलिए जो है हमें इसके ऊपर जो है छेनी और हथौड़ों से जो है मतलब अच्छा से जो है इसे तोड़ लेना है, और तोड़ कर जो है साफ़ कर लेना है। उसमें जो पुराना वाला मसाला थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छे से जो हम साफ़ कर लेंगे तो हमें जो है अपना जो नया मसाला हम प्रिपेयर करेंगे सीमेंट और बालू से, उस मसाला को जो है हमें कुछ इस तरीका से जो है एल्युमिनियम का पत्ता से जो है हमें अच्छे से एकदम लेवल कर लेना है। अभी जो है ना हम लोग का ये पूरा हम लोग ने लेवल कर लिया है, और इसके ऊपर से जो है हम अभी जो हमारा टाइल्स है आप देख सकते हैं, वो टाइल्स को जो है हम लोग बैठा रहा है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से उठा देंगे हम लोग, घूला डालेगा, फिर घूला डाल के फिटिंग करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, और 15-20 मिनट के बाद, और 15-20 मिनट में जो है आप लोगों को पूरा मालूम चल जाएगा कि किस तरह से जो है इसे करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये मसाला था जो सीमेंट और बालू का, तो इस मसाला को जो है हमें 5:1 के रेशियो में जो है इसे तैयार करना है। अगर हमारा जो बालू है 5 टीना होता है, तो हमें जो है सीमेंट उसमें 1 टीना डालना है, और उस तरह से जो है हमें इसे प्रिपेयर कर लेना है। और इसमें जो है हमें ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं मिलाना है, हम लोग को जो है इसे ड्राई सॉल्यूशन ही बनाना है, मतलब हल्का सा हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी डालकर जो है मतलब हम अपना इस जो हमारा मिश्रण है सीमेंट का और बालू का, इस मसाला को जो है हम अपने फर्श पे अच्छे से बिछा लेंगे। और बिछा लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, मतलब टाइल्स को जो है इसके ऊपर फिट करना है। और फिट कर लेने के बाद जो है हम अपना जो ये टाइल्स है हमारा, इस टाइल्स को जो है हम वापस से खोलेंगे। पहले जो है हम फिटिंग करेंगे, फिटिंग करते समय जो है हम इसका जो मेजरमेंट जो है वो पूरा ले लेंगे कि कहाँ जो है, कहाँ किस तरफ जो है हमें कितना टाइल्स चाहिए। कहीं कहीं जो है हमारा थोड़ा कटिंग होता है, तो उस जगह में जो है हम कटिंग कर लेंगे। हम लोग का ये टाइल्स जो है कोई कोई जगह में जो है मतलब फिट नहीं हो रहा है अच्छे से, तो अभी जो है हम इसे काटेंगे। तो आप देखिए इस तरह से जो है। तो फ्रेंड्स, कभी भी ध्यान रखना है जब हम लोग जो टाइल्स को काटेंगे, उस समय में जो है हमारा जो मशीन है, उस मशीन को जो है हमें हल्का सा ही प्रेस करना है, मतलब ज़्यादा भी मतलब उसको प्रेस नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा प्रेस करते हैं तो मतलब क्या होगा, मतलब हमारा जो टाइल्स है उसका जो टुकड़ा है उससे हमें जख्म हो सकता है, तो उसे ध्यान रखना है। हमें जब भी टाइल्स काटे तो हमें जो है एक लिमिट से ही जो है हमें अपना मशीन को होल्ड करना है, और धीरे धीरे जो है हमें आस्ते से काटना है। ज़्यादा अगर जल्दी हम करना चाहेंगे, ज़्यादा पुश करेंगे, तो वो जो है मतलब हमें हार्म पहुँचा सकता है। तो उसे जो है हमें आराम से धीरे धीरे मतलब उसके हिसाब से जो है मतलब मशीन को भी देखना है, मशीन के हिसाब से जो है हमें
अपना टाइल्स को मतलब धीरे धीरे प्रेशर देके काटना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोग का जो टाइल्स है अभी इतना तो कट चुका है, लेकिन अभी भी इसमें जो है करीब लगने वाले हैं 10-15 सेकेंड, और उसके बाद जो है हमारा ये रेडी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा ये कट कर रेडी हो जाता है, उसके बाद जो है हम अपने इसी मशीन से जो है इसका जो अपना साइड का जो पोर्शन होगा वो काफ़ी धार हो जाता है, मतलब काटने के बाद में। तो उस धार को जो है हम अपने इस मशीन से जो है मतलब उस धार को प्लेन कर सकते हैं, इससे जो है हम इसका ग्राइंडिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकता है इधर जो साइड वाला पोर्शन है, इससे जो है हम अपना टाइल्स को जो है ग्राइंडिंग कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं अच्छे से, जिससे कि जो है मतलब कहीं कटने उठने का डर नहीं रहेगा। यहाँ पर पूरा धार जो है इसका ख़त्म हो चुका है, ये साइड से जो है आपको इसे पॉलिश कर लेना है। तो आप देख सकता है इधर साइड से जो है काफ़ी बढ़िया हो गया है, मतलब पूरा पॉलिश होके अभी जो है कटने का कोई चांस नहीं है। तो फ्रेंड्स, टाइल्स जो है ना, टाइल्स लगाते समय जो है हमें जो है ये जो है टाइल्स कटर है हमारा, और इसमें जो है ये ब्लेड लगा हुआ है, ये 4 इंची का ब्लेड है हमारा टाइल्स काटने वाला। तो ये वाला चीज़ का जो है हमें ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमारा जो टाइल्स है वो किसी किसी जगह में जो है मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे काटने के लिए जो है हमें ये टाइल्स कटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसे जो है आप रेडी करके रखना है साथ में। तो अभी चलिए हम लोग जाते हैं अंदर में। और सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग का टाइल्स कट कर रेडी हो चुका, और आप नीचे देख सकते हैं उधर में जो है घोला मारा हुआ है, और ये वाला जो है हमारा घोला है, और इस घोला को जो है हमें हमारा जो फर्श था जहाँ पे हम लोग ने बालू डाले थे, बालू और ये सीमेंट का जो मिक्सचर डाले थे, तो उस फर्श पे जो है हमें इस घोला को डाल लेना है। घोला को डालने के बाद जो है इसे मतलब टाइल्स को जो है उसके ऊपर से फिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि मतलब कैसे जो है फिट होने के बाद जो है यहाँ पर जो हमारा लकड़ी की मदद से जो है उसे मतलब प्रेस कर रहा है, मतलब ठोक रहा है उस पर कि मतलब वो फिट हो जाए अच्छे से। और फ्रेंड्स, ऐसे जो है मतलब हमारा ये जो यहाँ है काम जो है ये लकड़ी से ठोक कर किया जा रहा है, लेकिन आप जो है प्लास्टिक का भी हमर आता है जो कि मतलब 250 से 300 रुपए का आता है प्लास्टिक का हमर, तो वो प्लास्टिक के हमर से भी जो है आप इस पर प्रेस कर सकते हैं, जिससे मतलब जो है ना अपना टाइल्स टूटने का जो है मतलब चांसेस नहीं रहता है एकदम। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम ये हमारा जो घोला है, इस घोला को जो है हम इस सरफेस पे जो है इस पर डाल देंगे, क्योंकि जो है अभी इस पर जो है हमें टाइल्स को लगाना है, तो इस सरफेस पर जो है हम डाल देंगे। और इधर जो है हमारा टाइल्स कट कर जो है रेडी हो चुका है, तो हम जो है इस सरफेस पे पूरा अच्छे से डालने के बाद अपना जो कोर्नी है, कोर्नी की मदद से जो है इसे थोड़ा सा जो है मतलब इस पर लाइनिंग कर देंगे। और लाइनिंग करने के बाद जो क्या होगा फ्रेंड्स, इसके अंदर तक जो है मसाला जो है इसका जो मतलब हमारा घोला जो है इसके अंदर तक पास हो जाएगा, जिससे जो है ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो हमें जो है कुछ इस तरीक़ा से जो है पूरा कोर्नी की मदद से अच्छे से काट लेने के बाद इसके ऊपर जो है फिर से हमें घोला अच्छे से अप्लाई कर देना है। और जैसे हमारा घोला अप्लाई होकर रेडी हो जाता है, उसके बाद जो है हम अपना जो है टाइल्स को लाकर जो है इसके ऊपर में रख देंगे, और उसे जो है अपना हमर हो गया या हमारा इस लकड़ी की मदद से जो है हम इसे फिट कर लेंगे। तो हमारा जो ये टाइल्स है, टाइल्स का ये पीछे का सरफेस है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी रफ है, और इसके ऊपर जो है ये काफ़ी बढ़िया से मतलब इसे ग्रिप मिलने वाला है, और काफ़ी बढ़िया से इसमें फिट हो जाएगा ये। तो ये जो है अभी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इसे, और इसे इंस्टॉल करने के बाद जो है इसे अच्छे से ऊपर से जो है हमर से मारना है, और ये अगर हम अच्छे से नहीं मारेंगे तो उस पर जो है थोड़ा गैप्स रह जाता है, 1 mm 2 mm के करीब गैप्स रह जाता है, तो इसलिए जो है हम इसे अच्छे से जो है प्रेस कर लेना है, जिससे जो है मतलब अपना थोड़ा भी गैपिंग ना रहे, पूरा बढ़िया से जो है मतलब सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीक़ा से जो है हमें सारा जो हमारा टाइल्स है हम इसी तरीक़ा से जो है फिट करने वाले हैं। जैसे ये हमारा लाइन कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट वाला लाइन जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो सेकंड लाइन में भी हम इसी तरीक़ा से जो है एक एक टाइल्स को वापस से खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग का टाइल्स जो है यहाँ तक जो है हम लोग ने काट कर जो है रेडी कर लिया है, और अभी जो है हमारा वहाँ जो फर्स्ट लाइन है वो भी कम्प्लीट हो चुका,
अभी जो है हम सेकेंड लाइन में जो है सेम फॉर्मूला यूज़ करने वाला है। हमारा जो टाइल्स है उसे हम खोलेंगे और उस पर जो है घोला घोला डालेंगे। घोला डालने के बाद जो है करनी की मदद से जो है हम इसे काट लेंगे और वापस से जो है उसके ऊपर हम घोला अप्लाई करेंगे और घोला अप्लाई होने के बाद जो है हम अपना टाइल्स को उसके ऊपर जो है फिट कर लेंगे। जो हमारा जो प्रोसीड्यूर है वो सेम टू सेम होने वाला है जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट स्टेप में जैसा किया था, फर्स्ट वाला लाइन में जो है हम लोग ने जिस तरह किया था उसी तरह से जो है हमें सारा ही लाइन पे ऐसे ही करते जाना है। जैसे ही हमारा टाइल्स जो है कम्प्लीटली लग कर रेडी हो जाएगा उसके बाद जो है हमारा जो गैप्स वगैरह जो है उसे जो है हम वाइट सीमेंट की मदद से जो है अच्छे से फिल कर लेंगे। जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं स्कर्टिंग जो है स्कर्टिंग की तरफ जो है कुछ गैप्स रह गया, तो उस गैप्स को जो है हम वाइट सीमेंट से जो है फिल कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।